सो हेलो गाइस, सो गाइस आपने भी जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं उसी तरह का स्टेटस आज हम बनाना आपको सिखाएंगे। ओके तो गाइस, इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज़ करूँगा सभी मटेरियल की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। अगर आप उसी मटेरियल को फ्री में डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सभी मटेरियल में अपलोड कर देता हूँ। ओके तो गाइस, प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइस, वीडियो बनाने के लिए अपने को अलाइट मोशन की एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है, तो जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वही वाला अलाइट मोशन चाहिए तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, वहाँ पर मैं आपको इस वाले अलाइट मोशन की लिंक दे दूंगा। ओके तो गाइस, यहाँ पे अलाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे अलाइट मोशन ऐप को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। नीचे प्लस का ऑप्शन, प्लस के साइड में एक प्रोजेक्ट का ऑप्शन है तो प्रोजेक्ट पे क्लिक करना और बीट मार्क और शेक इफेक्ट दो प्रीसेट अलाइट मोशन में ऐड कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके तो गाइस, ऐड करने के बाद जो बीट मार्क वाला प्रोजेक्ट होता है उसे ओपन कर लेना। कुछ इस तरह से बीट मार्क करके आपको एक प्रोजेक्ट मिलेगा। ओके, इसे ऐड करने के बाद यहाँ पे अपने को फोटो को ऐड करना है। तो गाइस, इस वीडियो में जो भी फोटोज यूज़ करूँगा सभी फोटो की लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो ज्वाइन नहीं करे तो ज्वाइन कर लीजिए। सो फोटो एडिट करने के लिए प्लस पे क्लिक कर देना एंड मीडिया में जाने के बाद यहाँ से फोटो को ले लेना। ओके तो गाइस, यहाँ पे फोटो को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बिट तक ले जाने के लिए इस वाले एरो पे क्लिक करना, आगे का पार्ट रिमूव करने के लिए इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना तो रिमूव हो जाएगा एंड अब थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद फिल कॉम्पोजिशन एरिया कर देना तो फोटो फुल स्क्रीन हो जाएगी। फिर से नेक्स्ट फोटो एडिट करना है, फिर से मीडिया पे क्लिक कर देना है, फिर से नेक्स्ट फोटो को सिलेक्ट करना है, फिर से इस वाले एरो पे क्लिक कर देना एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक्स्ट्रा पार्ट रिमूव करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद फिल कॉम्पोजिशन एरिया कर देना है, फिर से नेक्स्ट फोटो एडिट करने के लिए फिर से मीडिया में जाना और फिर से यहाँ पे फोटो को लेना है, फिर से इस वाले एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, फिर से थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद फिल कॉम्पोजिशन एरिया, फिर से नेक्स्ट फोटो एडिट करना, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया में जाना और फिर से यहाँ पे नेक्स्ट फोटो को ले लेना एंड इस वाले एरो पे क्लिक करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद फिल कॉम्पोजिशन एरिया कर देना है। सो गाइस, इसी तरह से आपको सभी फोटो एक साथ एड कर लेना है, तो मैं आपको एक साथ सभी फोटो एड करके दिखाता हूँ। ओके सो गाइस, देख सकते हो मैंने यहाँ पे जैसा बिट लगा वैसे ही बिट के हिसाब से सभी फोटो को ऐड कर लिया हूँ, तो आपको भी इस तरह सभी फोटो को ऐड कर लेना। ओके तो गाइस, फोटो को ऐड करने के लिए अपने को बैग आ जाना फोटो ऐड करने के बाद और यहाँ पे जो शेक इफेक्ट की जो प्रीसेट होते हैं उसे ओपन कर लेना। ओके तो गाइस, यहाँ पे शेक इफेक्ट की प्रीसेट ओपन करोगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे तीन इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। ओके तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर की फोटो होती है उस वाली फोटो पे क्लिक कर देना, इफेक्ट वाले ऑप्शन में जेल चले जाना है और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद कॉपी इफेक्ट कर लेना इस तरह से। ओके तो गाइस, यहाँ पे कॉपी इफेक्ट करने के बाद अपने को बैग आ जाना है यहाँ पे। सो बैग आने के बाद जो बीट मार्क वाला प्रोजेक्ट होता है उसे ओपन कर लेना। तो फाइनली गाइस, मैं यहाँ पे बीट मार्क वाले जो प्रोजेक्ट होता है उसे ओपन कर लेता हूँ। ओके तो गाइस, यहाँ पे बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे फोटो पे क्लिक कर देना, इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाना, थ्री डॉट में जाने के बाद पेस्ट कर देना, जो इफेक्ट होता है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। फिर से नेक्स्ट फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट में जाने के बाद फिर से पेस्ट कर देना, तो जो इफेक्ट होता है वो ऐड हो जाएगा। ओके तो गाइस, यहाँ पे मैं फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट में जाने के बाद यहाँ से इस तरह से पेस्ट कर देना तो जो इफेक्ट होता है वो लग जाएगा। ओके फिर से फोटो पे क्लिक करना, फिर से इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट में जाने के बाद यहाँ से पेस्ट कर देना है। तो गाइस, इस तरह से आपको फोटो को ऐड करना है। ओके यहाँ तक, ओके 4.6 तक ये फर्स्ट वाला इफेक्ट ऐड कर लेना, तो मैं थोड़ा जल्दी से आपको ऐड करके दिखाता हूँ। ओके सो गाइस, यहाँ तक कर लेना। ओके यहाँ तक करने के बाद अपन को फिर से बैग आ जाना और फिर से यहाँ पे शेक इफेक्ट की जो प्रीसेट होते हैं उसे ओपन कर लेना। ओके तो इसे ओपन करने के बाद अब जो दूसरे नंबर का इफेक्ट होता है उस वाली फोटो पे क्लिक कर देना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन में जाना एंड यहाँ पे थ्री डॉट में जाने के बाद इसका भी इफेक्ट यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो इस तरह से कॉपी इफेक्ट पे क्लिक करना है। सो कॉपी इफेक्ट करने के बाद अपन को फिर से बैग आ जाना है और फिर से बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। सो गाइस, बीट मार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से स्क्रॉल कर लेना है। सो स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हो यहाँ से अपन ने फोटो को ऐड कर लिया था। ओके यहाँ पे इफेक्ट को ऐड कर लिया था 4.6 तक, अब यहाँ पे अपने को ऐड करना है तो फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट में जाने के बाद यहाँ से पेस्ट कर लेना है तो जो इफेक्ट होता है यहाँ पे भी लग जाएगा। ओके तो फिर से नेक्स्ट फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट में जाना, यहाँ से पेस्ट कर देना है तो जो इफेक्ट होता है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। एंड यहाँ पे फिर से स्क्रॉल करके देख लेना, यहाँ पे इस फोटो की लेंथ थोड़ी सी लंबी है तो इस फोटो को छोड़ देना और यहाँ पे दो फोटो की लेंथ छोटी तो इस वाली फोटो पे क्लिक करना, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट में आना, पेस्ट कर लेना तो जो इफेक्ट होता है यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट फोटो पे सेम प्रोसेस करना है, इस तरह से जो इफेक्ट ऐड हो जाएगा। ओके तो फिर से यहाँ पे इस फोटो की लेंथ लंबी है तो इसे छोड़ देना है और फिर से यहाँ पे अपने को इन दो फोटो में इस वाले इफेक्ट को ऐड कर लेना। और हाँ गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, प्लीज़ सपोर्ट करो, मैं आपके लिए ऐसे डेली अपलोड वीडियो लाते रहूँगा। ओके तो गाइस, इस तरह से यहाँ पे एक फोटो को छोड़ के दो फोटो की लेंथ छोटी उसी फोटो में इस वाले इफेक्ट को ऐड करना है, तो मैं थोड़ा जल्दी से ऐड करके दिखाता हूँ। ओके
सो गाइस यहाँ तक कर लिया। सो इतना करने के बाद फिर से बैग आ जाना और फिर से शेक इफेक्ट की जो प्रीसेट होते हैं उसे ओपन कर लेना है। सो इसे ओपन करने के बाद अब जो देख सकते हो यहाँ पे तीसरे नंबर का इफेक्ट होता है उस वाली फोटो पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद इसका इफेक्ट यहाँ से कॉपी इफेक्ट कर लेना। ओके तो इस तरह से यहाँ पे मैंने कॉपी इफेक्ट कर लिया। सो कॉपी इफेक्ट करने के बाद अपने को फिर से बैग आ जाना और फिर से बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। तो गाइस बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से स्क्रॉल कर लेना। ओके यहाँ पे स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे इस वाली फोटो की लेंथ लंबी और अपन ने छोड़ दिया था। ओके तो इस वाली फोटो पे क्लिक कर देना है, इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से थ्री डॉट करने के बाद इसे पेस्ट कर लेना है तो जो इफेक्ट होता है यहाँ पे बेड हो जाएगा। फिर से इधर स्क्रॉल करके देख लेना है कौन सी फोटो की लेंथ लंबी, तो इस वाली फोटो पे क्लिक करना है, इफेक्ट में जाना, थ्री डॉट में जाना, पेस्ट कर लेना। तो गाइस इसी तरह से आपको सभी फोटो में कर लेना है, तो मैं थोड़ा जल्दी से आपको करके दिखाता हूँ। ओके और हाँ गाइस प्लीज़ वीडियो को आपके सारे दोस्तों में शेयर कर देना ताकि वो भी इस तरह का स्टेटस बनाना सीख जाए। ओके तो मैं इसी तरह के वीडियो इस चैनल पे अपलोड करते रहता हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो गाइस मैं सभी फोटो में कर लेता हूँ। सो गाइस देख सकते हो मैंने यहाँ पे सभी फोटो में कर लिया, तो वीडियो बन के रेडी हो चुका है। एक बार सब देखाना है और फिर से एक इफेक्ट वाली प्रीसेट को ओपन कर लेना है और यहाँ पे दो जो इफेक्ट देख सकते हो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना। ओके तो कॉपी करने के लिए अपने को करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करके रखना थोड़ी देर इस तरह से एंड यहाँ पे क्लिक करना है कॉपी टू लेयर कर लेना। ओके देख सकते हो यहाँ पे इस तरह से कॉपी कर लेना एंड बैग आ जाना है और फिर से बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेना है। सो इसे ओपन करने के बाद अपने को यहाँ पे देख सकते हो गाइस इस वाले फिर से यहाँ पे क्लिक कर देना एंड पेस्ट टू लेयर करना है तो जो यहाँ पे HDRCC वो है लग जाएगा। ओके एंड फिर से स्क्रॉल करके इस दोनों को क्लिक करके रखना है और इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना तो ये भी एंड तक आ जाएगा। तो जो गाइस अब वीडियो यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है, मैं आपको थोड़ा सा प्ले करके दिखा देता हूँ। ओके